सब्सक्राइब कीजिए बीयर क्राफ्टिंग चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें और देखिए फैशन एंड होम मेकिंग वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीयर क्राफ्टिंग में। आज का वीडियो कुछ अलग और खास है क्योंकि आज मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगी कि अपने ड्रेस को कैसे डेकोरेट करके उसको अलग और स्टाइलिश बनाएं। इसीलिए आज मैं आप लोगों को एप्लिक वर्क या जिसे पेच वर्क भी कहते हैं वो बनाना बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले वीडियो में मैंने हॉल्टर नेक कुर्ती बनाई थी गोल्डन कलर की, जो बिल्कुल प्लेन थी। तो मैंने इस पर एप्लिक वर्क करके इसको थोड़ा सजाया है। इसके ऊपर मैंने वेलवेट के फ्लावर्स लगा के कट करके इसको सजाया है, जिसके कारण ये डिज़ाइनर कुर्ती का लुक आ रहा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये एप्लिक वर्क बनाने का तरीका। तो एप्लिक वर्क के लिए सबसे पहले हम पेपर लेंगे और आपको जो भी फ्लावर्स या पेटल्स, जो भी डिज़ाइन बनानी हो उसको पहले अपने पेपर पे कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 3x3 इंच का एक पेपर कट कर लिया है। अब इस पर मुझे जो डिज़ाइन बनाना है उसकी मैं पहले कटिंग करूँगी। तो मैं इसमें 6 पेटल्स फ्लावर बनाऊँगी। तो पहले इसे 2 भागों में फोल्ड कर लें, फिर ऐसे एक बार और फिर एक बार ऐसे। देखिए एक बार फिर से, पहले एक पेपर 3x3 इंच का लिया हमने, उसे ऐसे डबल फोल्ड किया। तो पहले एक बार ऐसे ट्रायंगल शेप में ऐसे फोल्ड किया और फिर दोबारा से ऐसे किया, क्योंकि ये मुझे 6 पेटल्स फ्लावर चाहिए तो इसलिए मैंने इसे 3 बारी फोल्ड करा है। अब या तो आप राउंड शेप में करें या जो भी शेप, वो आपके ऊपर है। और यहाँ से कट कर लेंगे इसको, साइड से भी कट कर लेंगे। तो ये कट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो देखिए कट करने के बाद ये फ्लावर हमारा ऐसा दिखेगा। तो देखिए इस फ्लावर के लिए मैंने यहाँ पे वेलवेट फैब्रिक लिया है। आप अपने हिसाब से जो भी फैब्रिक यूज़ करना हो, कॉटन का, वेलवेट का, वो आप यूज़ कर सकते हैं या फिर नेट का। तो अब हम अपने फैब्रिक पे इस फ्लावर की कटिंग करेंगे। तो पहले फैब्रिक को भी 3x3 इंच का हम काट लेंगे। तो देखिए फैब्रिक को भी 3x3 इंच का काटने के बाद देखिए फैब्रिक को भी ऐसे ही फोल्ड कर लेने के बाद जो हमने पेपर काटा है उसको ऐसे रख देंगे इसके ऊपर और अपने फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। अब इसे हम खोल के देखेंगे। देखिए हमारा 6 पेटल फ्लावर बनकर तैयार है ऐसे। अब आपको जितने फ्लावर्स चाहिए आप इसी तरीके से अपने फ्लावर्स काट लें और इसे कुर्ती पे या जहाँ भी लगाना हो आपको, वहाँ पे पहले चिपका लें फैब्रिक ग्लू से। चिपकाने के बाद इसके किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। आपके मशीन में अगर जिगजैग पैटर्न है तो आप किनारे पे जिगजैग पैटर्न डाल दें। तो चलिए मैं ये करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्लावर्स को अपने कुर्ती पे अटैच कर लिया है, फैब्रिक ग्लू से चिपका लिया है। अब या तो आप नॉर्मल सिंपल सिलाई भी लगा सकती हैं या फिर आप जिगजैग सिलाई भी लगा सकती हैं। यहाँ पे मैं जिगजैग सिलाई लगाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे मैंने जिगजैग सिलाई लगा के अपने फ्लावर को अटैच कर लिया है कुर्ती से। तो इसका फिनिशिंग लुक आ रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही जितने ही फ्लावर्स हमने अपने फैब्रिक ग्लू से चिपकाई है कुर्ती पे, ऐसे ही हम सबकी सिलाई लगा लेंगे। तो फाइनली आपने देखा एप्लिक वर्क बनाने का तरीका कि कैसे इसकी कटिंग करते हैं और इसकी स्टिचिंग करते हैं अपने फैब्रिक पे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसके रिगार्डिंग कोई आपके पास क्वायरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।